तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का इस चैलेंज वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक चैलेंज वीडियो करने वाले हैं। कि यह चैलेंज वीडियो इस प्रकार से है कि वो जो सामने आप लोगों को दिख रहा है वो एक तेल का टीना है, ठीक है। तो उस टीना से 15 कदम पीछे ये एक ट्राइपॉड है। ए ट्राइपॉड रख, भोसड़ी वाले। यह एक ट्राइपॉड है। तो गेम इस प्रकार है, टीना से 15 कदम पीछे आकर ये जो आप देख रहे हैं कि पीछे जो जितने सारे लड़के हैं इधर सबको इस गेम में हिस्सा लेने वाले हैं। तो दोस्तों, तो मैं बता दे रहा हूँ कि सबके आंखों में एक पट्टी बांधा जाएगा और उसे बारी बारी से, यानी कि इस ट्रैपोस के पास खड़ा करके उसे एक डंडा पकड़ाया जाएगा और उस डंडे से उस टीना पे जाके उसे मारना होगा। और हाँ दोस्तों, इस गेम में अगर कोई भी हारता है उसको एक लंबी सी हरी सी तीखी सी मिर्च खानी पड़ेगी। दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें कोई पानी कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये गांव से लगभग 1/2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और यहाँ पे उसको अगर प्यास लगती है या फिर तीखी लगती है, जिसके कारण अगर वो पानी पीना चाहे तो उसको यहाँ पे पानी भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैलेंज देता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। तो चलो चालू करते हैं इस वीडियो को। अगर चैलेंज पे नए हैं तो चैलेंज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल सके। गेम का पहला राउंड पूरी तरीके से तैयार है, बस जरूरी है एक लाठी का। तो मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें हंसी आ रहा है, क्योंकि मैं जो इसके आग में पट्टी बांध के इसको लेके जा रहा हूँ तो ये एक ही तरफ मुझे खींचे जा रहा है। इसको लगता है कि मैं इसे कोई गलत दिशा पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, ये इसको ठीक ही रास्ते पर रखा गया है, ठीक है। तो गेम करते हैं स्टार्ट, देखते हैं ये विनर रहता है या फिर हारता है। ये रहा विनर का। दोस्तों, फर्स्ट विनर का ये हो गया और ये गेम को हार चुका है। फिर देखते हैं अगला राउंडर कौन है और वो गेम को हारता है या फिर जीतता है। तो देखते हैं, बने रहिए वीडियो। ये दूसरा कैमरा में जरा हाई कर दो। हाय, नाम क्या है? संजीत कुमार। दोस्तों, ये पहला राउंडर संजीत कुमार ये गेम को जीत चुका है। तो दोस्तों, ये तीसरा राउंडर भी इस गेम में हार चुका है। From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, kicking me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. तो दोस्तों, ये था चौथा राउंडर, ये भी गेम को हार चुका है। किधर आ गए? इधर राम था, ठीक है। तो कैमरा में हाय बोल। हाय गाइस, और अपना नाम बताओ। नाम बताओ। पाटल कुमार। अबे सही नाम बता। प्रमोद कुमार मंडल है मेरा नाम। तो दोस्तों, इसका नाम है सागर कुमार।
से क्या कर रहे थे? चल रहे तो फाइनली दोस्त यार खाएगा। तो फाइनली गाइज हमारा खेल समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण में दोनों हार चुके हैं। हरा चुका है, हरा दिया तो। दोनों के हाथ में देख सकते हैं तीन मिर्ची है, इनके भी हाथ में तीन मिर्ची है। तो दोस्तों ठीक है, ये गेम कुछ इस प्रकार था कि मतलब जो हारेगा उसको तीन तीन मिर्चे खाना होगा और वो कमबख्त मैं ही हूँ और ये दूसरा कमबख्त है जो कि तीन तीन मिर्चे खाएगा और इसको लगता है कि इसको मतलब चीटिंग करके हराया गया है। अगर चीटिंग करके हराना होता तो मैं क्या तो लग गया। ठीक है अब हार चुके हो, मिर्चे खाओ, चल 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 खा, चल खा कमरा खा रहे वैसा नहीं हो तो मैं फिर खा फिर वहाँ अनुवाद। तो आप देख सकते हैं दोस्त कितना जोर से मिर्ची तीखी लगाओ पानी पी एकदम घर के तरफ। चल इधर देखा सर, कल खास तीन डाल दिया, अब देखते हैं कि अपना क्या होता है। लाइक कर दो का कुल घुमा रहा है। ये रहा तीन मिर्चाई, ठीक है चल खा, वो कैप्सूल है चल अरे चवाह रे रखी दिल खा ले, अरे निकल गया। अरे वो चुप हो एकदम। दोस्तों मैं तीनों मिर्चाई तो खा लो चुका हूँ लेकिन उतना तीखा नहीं लग रहा है। निकल गया। मैं कुछ अपना पर्सनली बात बता रहा हूँ, मुझे तीखा क्यों नहीं लग रहा है इसके पीछे कारण। कई दिनों से मुझे मतलब सर्दी खांसी हो रहा था तो मुझे खाना का स्वाद उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये मिर्चाई ज़्यादा तीखी नहीं लगी। नहीं तो तीन मिर्ची इतना ज़्यादा तीखा लगता ना, उसी लड़का की तरह मुझे भी भागना होता और वो तो साइकिल लेके आया था, मेरे लिए तो साइकिल भी नहीं।
तो कहने वाले कहते हैं कि जिनको खाना पीना स्वाद नहीं लगता है तो उसको कोरोना हो जाता है, तो तुमको तो कोरोना नहीं है ना? नहीं नहीं वैसा कोई बात नहीं तो चलिए दोस्त, आज तुम लोग मेरे साथ वीडियो नहीं बना देते। तो चलिए दोस्त, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी खास ब्लॉग को लेकर फिर अगले वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमो हे बेटी का सरदार।